Hello friends, welcome back to the channel Learn with Sandhya Strakshivi. Friends, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था. आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट. अब एक लोडेड ट्रक है, ठीक है, उसने 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है. इफ द स्पीड रिमेंस द सेम, अगर स्पीड मान लीजिए उसकी 60 की स्पीड पे वो चल रहा है तो उसकी स्पीड सेम ही रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी. हाउ फर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, तो उसी स्पीड से वो 5 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं इसको. अब इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ दी हुई, एक तो टाइम दिया है और दूसरा डिस्टेंस दिया है. टाइम में बता रहा है कि वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने 300 क्यों लिखा है, क्योंकि वो पूछ रहा था कि 5 आवर में वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है. तो देखिए 1 आवर में होते हैं 16 मिनट, ठीक है, और 5 आवर में पता करने के लिए हम 60 से 5 को मल्टीप्लाई करते तो हमारा 300 मिनट आ जाएगा. तो हमें पता करना है कि 300 मिनट में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है. तो इसको हम करेंगे लेट, ठीक है, लेट कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं. अब ये आपका क्या है, डायरेक्ट प्रपोजन ही तो है. क्यों? क्योंकि जब हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर हम लोग जाएंगे. और फिर अगर टाइम कम होगा तो हम बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है. तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट प्रपोजन्स. तो इसको हम पहले ये भी लिख लेंगे, देयरफॉर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोजन, ठीक है. ये हुआ, अब लेट कर लिए हम, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ठीक है. लेट किया तो क्या हो जाएगा, ये आपका लेट द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस इन 5 आवर, ठीक है, लेट द डिस्टेंस एक्स, एक्स मान लिया. अब सॉल्व करते हैं. अब ये 25 मिनट में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये किसके बराबर में होगा, 300 अपॉन एक्स के, ठीक है, इसके बराबर में होगा. अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये आपका 25 से एक्स का किया तो 25x इज इक्वल टू में 300 × 14, ठीक है. फिर ये एक्स को अकेला छोड़ देंगे हम, और यहाँ पे जो 300 × 14 के डिवाइड में आ जाएगा 25, ठीक है. ये आया, ये 25 से आपका कट रहा है, ठीक है, 25 से ये 1 जा कटा, और ये आपका 12 जा में, क्योंकि 25 12 जा होता है 300, ठीक है, 300 हुआ. अब हमारे पास क्या बचा, 12 बचा और 14, तो इंटू करें तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, इंटू 12 8 6 1, 168 x is equal to 168 किलोमीटर. तो वो जो 5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर चलेगा, 168 किलोमीटर, ठीक है. तो यही हमें निकाला था. अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.